फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे आपको नए तरीके से फंदे बनाना। बहुत ही इजी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत है फ्रेंड्स, एकदम नया और यूनिक है। तो चलिए डिजाइन पैटर्न आपको बताते हैं कि आप अगर कुछ नया ढूंढ रहे हैं अपने स्वेटर के लिए तो इस तरीके से आप फंदे बनाइए। जैसे गर्ल्स कार्डिगन में, गर्ल्स फ्रॉक में, आप लेडीज स्वेटर में, शॉल स्टॉल मफलर में बॉर्डर के तौर पर आप बनाना चाहते हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर आप देखिएगा। और ये जो है ना, आप टू के मल्टीपल फंदे लेंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा, प्लस वन फंदा आप ले लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने 19 फंदे लिए हुए हैं, केवल एक सिलाई की डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर सा ये फंदे वाला डिज़ाइन है, तो आप जरूर इसे ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन की घंटी है उसे प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने केवल सिंगल धागे से ये फंदे डाले हैं। देखिए यहाँ पर हमने डबल धागा नहीं किया है। अब यहाँ हम स्टार्टिंग में देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट फंदा हम, ये पहली सिलाई है इसलिए, नहीं तो हम इसे तो स्लिप कर लेते हैं, लेकिन पहली सिलाई है तो इस फंदे को बुनना जरूरी था। तो यहाँ पर हमने इसे बुन लिया है। धागा अपनी साइड लाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वन फंदा बुना, फिर देखिए ये बैक से हम ले लेंगे। यहाँ पर पीछे से हमें लेना है, देखिए यहाँ पीछे से हमें ऐसे नीडल्स को डालना है और ये सेकेंड फंदा बना लेना है। इसे स्लिप नहीं करना है। देखिए थोड़ा सा इसे आप लंबा रखिएगा और फिर इसके बाद आप ये थर्ड फंदा बना लेंगे। इसके बाद देखिए ये बैक से आप फोर फंदा, देखिए इस तरीके से, और ये फाइव फंदा आप बनाएंगे। तो देखिए जब फाइव फंदे आप बना लीजिए ना, तो फिर इसके बाद इस तरीके से आप ऐसे, देखिए ऐसे सिलाई को कीजिएगा और यहाँ पर हम बुनाई करेंगे। ये देखिए इसके ऊपर से इसको हम ऐसे ड्रॉप कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें फाइव का वन कर देना है। इसके बाद धागा अपनी साइड लाएंगे, वन फंदा हम उल्टा बुनेंगे। अब यही आपको रिपीट करना है। देखिए वन, ध्यान से देखिएगा, धागे को थोड़ा सा लंबा रखिए और ये बैक साइड में देखिए यहाँ से पीछे से हमें ये, देखिए यहाँ से हमें ये पीछे से हमें ये नीडल्स को ऐसे डालना है। ये टू, फिर देखिए ये थ्री, फिर देखिए पीछे से फोर, फिर देखिए ये फाइव। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इस तरीके फाइव कर लीजिए, धागा पीछे ले जाइए और इस तरीके से आप जो है, देखिए यहाँ पर आप फाइव का वन कर दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फाइव का वन इस तरीके से कर दीजिए। फिर धागा आप अपनी साइड लाएंगे, वन फंदा आप उल्टा बुनाई करेंगे। धागा देखिए इस तरीके से बनते जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं फ्रेंड। धागा आगे लाएंगे, इसमें देखिए इस तरीके से वन, बैक से देखिए टू, फिर देखिए थ्री, फिर देखिए फोर और देखिए ये फाइव हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे, देखिए फाइव फंदे ऐसे सीधा बुनाई करेंगे, ठीक ना। सीधा बुनने के बाद आप ऐसे धागा आगे लाइए, वन फंदा उल्टा बुनेंगे। इसी तरीके से आपको बना, तो फ्रेंड देखिए वन फंदा उल्टा बुनेंगे और इसके बाद धागा अपनी साइड रखेंगे और देखिए ये वन फंदे में फाइव फंदे बनाएंगे, वन, बैक से टू, फ्रंट से थ्री, बैक से फोर, फ्रंट से फाइव। इसके बाद धागे को पीछे ले जाएंगे बैक साइड और यहाँ पर जो हमारे फाइव लूप्स हमने लिए थे उन्हें हम ऐसे सीधा बुन देंगे। इसके बाद देखिए ये धागा आगे लाएंगे, वन फंदा उल्टा बुनेंगे। अब यही आपको जो है देखिए बनाते जाएंगे तो कितना प्यारा सा ये डिजाइन ऐसे बन करके आएगा। देखिए
एक टू टू फंदों में बनता है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आप सारी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद ये उल्टी सिलाई आप पूरा बुनाई कर लीजिए। इसके बाद जो बॉर्डर आप बनाना चाहते हैं उसे बनाइए। अब शॉल स्टॉल मफलर में बनाना चाहते हैं तो उसमें बना लीजिए। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी ये डिज़ाइन अच्छी लगी हो और हमारा बताने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट डिजाइन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। बाय बाय।